टूटे दिल वाले ज़रूर सुने ये कहानी। दोस्तों, अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे किसी भी वजह से, तो आपको आज ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर भी परिवर्तन की एक लहर दौड़ जाए। विशाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही हंसमुख किस्म का था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि सारी क्लास उससे बहुत खुश रहती थी। अगर वो कभी कॉलेज नहीं आता तो क्लास में सन्नाटा सा छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया। अचानक से विशाल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो कक्षा में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे कुछ पूछे तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो पूरी क्लास में सन्नाटा सा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विशाल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक कैसे खुश रह पाओगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की को बहुत प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो अब बहुत दुखी है। टीचर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो क्या। उसने कहा, जी ज़रूर। जब विशाल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या नींबू का शरबत। उसने कहा, शरबत। अब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक डाल दिया। और जब विशाल ने वह नींबू का शरबत पिया तो एक घूंट पीकर ही मुंह बिगाड़ लिया और टीचर से कहा, सर ये क्या बना दिया है आपने, इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है। तो टीचर ने कहा, विशाल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विशाल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। विशाल ने फिर कहा, सर हम इसी में थोड़ा पानी और चीनी मिलाकर इसे अच्छा बना सकते हैं। अब टीचर ने कहा कि हाँ, मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर नींबू के शरबत में नमक ज़्यादा डाला, ताकि तुम्हें ये समझा सकूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विशाल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी उसे समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ में आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल ढंग से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विशाल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थीं। उसने अपने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा कर रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। दोस्तों, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है या दुखाया है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी एक तरीका है। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही हैं। एक्स वाई जेड कैसी भी बातें हों लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितनी शांति मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी होती है, बाकी स्वतः ही धीरे धीरे निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ को क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। और ये तरीका कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको एक बार प्रयास तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके
मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।